नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए शिक्षा मित्रों के लिए खासकर खबर, एक ऐसी खबर जो शिक्षा मित्र काफ़ी दिनों से जानना चाह रहे थे क्यूरेटिव फाइल के बारे में, उस खबर को आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ के साथ 4000 शिक्षक की भर्ती थी उर्दू वालों की, उनकी भी अपडेट भी आज मिली है, तो वो भी अपडेट हम आपको बता देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के कोर्ट ऑर्डर की अपडेट भी है इस वीडियो में, सारी जानकारी देंगे हम आपको इस वीडियो में। लेकिन हम चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें ऐसी देखने के लिए, इन कोर्ट अपडेट भर्तियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा दें बेल आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और दोस्तों पिछली वीडियो पे काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि अगर न्यूज़ शिक्षा में से रिलेटेड ना हो तो न्यूज़ अपलोड ना करें। तो भाई अभी आचार संहिता चल रही है, सभी संगठन शांत हैं, अपने अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी खबरें नहीं आ रही हैं, कोर्ट की कोई अपडेट नहीं आ रही हैं। तो कम से कम हमें ऐसी न्यूज़ तो बनानी ही चाहिए जो बेसिक शिक्षा से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई हैं। अब जब शिक्षा मित्र के मामले कोई खबर नहीं मिलती है तो हम आपको खबर नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैं एक दिन छोड़कर वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई अगर शिक्षा में से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ बिल्कुल आएगी तो मैं आपको जो बताऊँगा, साथ के साथ कोर्ट के अपडेट भी आपको देता रहूँगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलो इसमें सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कोर्ट अपडेट को लेके। तो उर्दू शिक्षक भर्ती जो थी 4000 शिक्षकों की, जिसमें योगी सरकार ने इसको रद्द कर दिया था, ये कहते हुए कि अभी हमें उर्दू शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, मानक के अनुसार उनके पास उर्दू शिक्षक हैं। सपा सरकार में ये भर्ती की गई थी, अब उनके शासनकाल में ये विज्ञप्ति निकाली गई थी, लेकिन योगी सरकार ने आकर इसको रोक लगा दी थी और इसके लिए याचिका कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने कह दी थी इसको पूरा कर दिया जाए, लेकिन पुनर्विचार याचिका में सरकार गई और वहाँ से भी कोर्ट की तरफ से सरकार को झटका लगा। उन्होंने 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती को फिर से सही तरीके से, मतलब जिस तरह से पहले आदेश दिया था उसी को उन्होंने अमल में करने के लिए, विचार करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर योगी सरकार को थोड़ा सा झटका लगा और 4000 उर्दू शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार को फिर से वही दिशा निर्देश दे दिए जो पहले दिए गए थे। इसके बाद जो हम अगली खबर बता रहे हैं वो शिक्षा मित्रों को लेके है। शिक्षा मित्रों की क्यूरेटिव फाइल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, आदर्श समाज ये गाजी इमाम आला जी के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा। लेकिन काफ़ी लंबा समय गुजर जाने के बाद, लगभग 5 या 6 महीने गुजर जाने के बाद डायरी नंबर मिल पाया और शायद ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक केस नंबर नहीं मिला है, उसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो इधर एक तरफ रिजवान अंसारी ने भी यही बात कही थी कि मैं शिक्षा मित्रों का केस क्यूरेटिव फाइल का लड़ूंगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए रिजवान अंसारी ने अपनी भी क्यूरेटिव फाइल दाखिल कर दी है, जिसका नंबर 104/2019 है। लेकिन ये रिट केवल अभी बंद चैम्बर में ही सुनाई, यानी जज के द्वारा रिव्यू करी जाएगी, ओपन कोर्ट के लिए पेंडिंग में रहेगी, ओपन कोर्ट में आने के बाद ही बहस हो पाएगी। तो यहाँ रिजवान अंसारी ने एक खास बात और ये कही कि हम आपको बता देते हैं कि बंद चैम्बर में सुनवाई के दौरान इतना खर्चा नहीं आता है और सारा खर्चा वो स्वयं उठा रहे हैं, इसलिए ना तो वो इसके लिए कोई सहयोग राशि आपसे मांग रहे हैं। रिजवान अंसारी ने कहा है कि जब तक वहाँ से ये पास नहीं होता है ओपन कोर्ट के लिए, तब तक ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी क्यूरेटिव फाइल को लेके। तो क्यूरेटिव फाइल की सुनवाई को लेके अभी तक जितने भी संगठन से आम शिक्षा मित्रों से अगुवाई कर रहे हैं धन की, वो गलत है। इसमें इतना कोई खर्चा नहीं आता है कि उसके लिए पहले से धन इकट्ठा किया जाए। जैसे ही ओपन कोर्ट में सुनवाई अगर आती है रिजवान अंसारी की टीम की, तो वो जो है बिल्कुल आपसे सहयोग मांगेंगे और ओपन कोर्ट में बहस करने के लिए अपने अधिवक्ताओं के पैनल के साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे, ये है कहना रिजवान अंसारी जी का। तो ये रही क्यूरेटिव फाइल की अपडेट। और अब हम आपको बताएं थोड़ा चुनाव से लेके शिक्षा मित्रों के हालचाल को लेके। तो जैसा कि शिक्षा मित्र अपनी मांगों को अब अपने ऐसी चुनावी तरीके से सबके सामने रख रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को, निदेशकों को शामिल कर लिया है, उनको शामिल करते हुए कहा है कि यदि उनकी सरकार आती है तो इनको जो है न्याय मिलेगा। तो इधर आपके जो दूरस्थ बीटीसी शिक्षक शिक्षा मित्र संघ जो है अनिल कुमार यादव जी का, इन्होंने क्रांति जी ने मिल के राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जी को, जयचंद जी नाम है इनका, तो जयचंद चौधरी जी, इनको भी एक
अपना लेटर पैड पर पत्र दिया, शिक्षा मित्रों की समस्याओं से उनको अवगत कराया, सारी समस्या बताई कि कितने वर्षों से शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा में सेवा कर रहा है और उसका जो है अब समायोजन निरस्त हुआ, उसके बाद अब साथ में इतने शिक्षा में चले गए। सारी जानकारी उनको दी और उनके सामने तीन मांगें रखी कि सब वेतन बहाली की जाए या प्रशिक्षित वेतनमान देते हुए नियमित किया जाए और मृतक आश्रित के घर में से किसी न किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। इन तीन मांगों को लेके राष्ट्रीय लोकदल के पास भी गए हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करें अगर आपकी भी सरकार केंद्र में आती है तो। कुल मिला के ये है कि शिक्षा मित्र इस समय हर उस पार्टी के पास जा रहे हैं जो विपक्ष में है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे ये लोकदल हो, उन सभी के पास जाके उनकी मांग कर रही है। वह फिलहाल ये रहा कि सत्तारूढ़ सरकार से शिक्षा मित्रों ने अपने हर तरीके से हर संभव से मांग कर ली, चाहे वो अनशन हो, धरना हो, सड़क प्रदर्शन हो, चाहे पत्राचार के माध्यम के द्वारा अनुनय विनय हो, सब माध्यम सरकार से अपना लिए थे। लेकिन अभी तक चुनाव से पहले एक दिन पहले तक भी जब शिक्षा मित्रों को खुशखबरी नहीं मिली, कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे शिक्षा मित्रों को थोड़ी बहुत गिरावट राहत होती, इसी वजह से शायद अब इस चुनावी दौर में वो विपक्ष की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ये बात अलग है कि जब सपा सरकार थी और सपा सरकार के इस टाइम में चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी सरकार ही विपक्ष में थी, तो बीजेपी सरकार ने भी शिक्षा मित्रों को घोषणा पत्र में शामिल किया था। आज भी विपक्षी पार्टियां शिक्षा मित्रों को घोषणा पत्र में शामिल कर रही हैं। क्या ये केवल एक चुनावी मुद्दा हो सकता है? शिक्षा मित्र केवल एक चुनाव में फ़ायदा लेने वाले ऐसे जनसमूह हैं जिसका फ़ायदा हर पार्टी उठाती है? क्या रहेगा, क्या संभावना रहेगी कि शिक्षा मित्रों को यही नहीं सरकार न्याय देगी कि आगामी कोई भी सरकार अगर बदलती है या यही बनती है तो शिक्षा मित्रों को कितना न्याय मिलेगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम 69,000 शिक्षक भर्ती की जो बात कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आप सभी को बहुत इंतजार था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व है कि आखिरकार क्या वो अब आ सकता है, तो जन सुनने में आ रहा है कि शायद कोर्ट ऑर्डर इस सप्ताह आने की ज़्यादा संभावना बन रही है। इसी सप्ताह में 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट का ऑर्डर अगर आ जाता है तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार कट ऑफ कितनी रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, कौन इसमें भर्ती में शामिल हो गया, कौन निकल गया। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, इस भर्ती पर अभी अमल नहीं हो पाएगा कि इसको बिल्कुल अमल में लाते हुए भर्ती शुरू कर दी जाए, लेकिन कोर्ट ऑर्डर आने के बाद काफ़ी लोग अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि अगर सरकार हारती है तो वो भी डबल बेंच में जाने के लिए तैयार हैं और अगर शिक्षा मित्र हारते हैं तो वो भी डबल बेंच में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कुल मिला के जो भी आदेश आएगा उसका डबल बेंच में जाने की तैयारी वो कर लेंगे और आचार संहिता ख़त्म होते ही फिर से वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन उम्मीद ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का परीक्षा पर वो कोर्ट का ऑर्डर शायद इस सप्ताह आ जाए, तो देखते हैं कि कोर्ट से क्या निकलता है। कोर्ट रिजर्व जब ऑर्डर जब भी रिजर्व होता है तो शिक्षा मित्र के पक्ष विपक्ष में जाता है, आप सभी बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी खबरें जो आज हमने आपको बताई हैं। हम ऐसी और भी खबरें आपको देते रहते हैं, बस हम उम्मीद करते हैं और एक आपसे विनती करते हैं कि जब भी आप हमारी वीडियो को देखें और उस पर कोई कमेंट करना चाहे तो वो आप नीचे कर सकते हैं, लेकिन आप चुनावी समय को देखते हुए, आचार संहिता को देखते हुए इस कमेंट करें। हम अपनी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ सामग्री नहीं इस्तेमाल करेंगे जो आचार संहिता का उल्लंघन करती है या किसी भी राजनीतिक धार्मिक वाद विवाद को बढ़ाती है, तो संयमित रखते हुए केवल सूचनाओं को आपके तक पहुँचा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और दोस्तों हम एक बात और कहना चाहेंगे जाते जाते कि ये जो खबरें मैंने आपको बताई हैं इन खबरों की अपडेट अगर आप लिखित में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है मैंने, www.govindgopal.com, ये वेबसाइट का एड्रेस है। इसमें बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप उस पर जाके इन पोस्ट को देख सकते हैं कि रिजवानंद साई ने क्या कहा या क्रांति जी ने कैसे लेटर दिया, वो सब अगर उसमें मैं आपको पूरी जानकारी उस पोस्ट के माध्यम से देता रहता हूँ। तो आप उस वेबसाइट पर आके भी शिक्षा मित्र की खबरें, बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबरें को देख सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और हमारे बीच ऐसे ही कॉन्टैक्ट बना रहेगा इन्हीं माध्यमों के साथ। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।